मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सर। गुड मॉर्निंग। शर्म आनी चाहिए आपको डॉक्टर शिव। अरे इतनी अच्छी, इतनी सुंदर, सुशील, फुल ऑफ लाइफ बीवी आपकी, और आप दूसरी लड़कियों को ताड़ रहे। नॉट फेयर हाँ डॉक्टर शिव, आपने ना आज हमारा दिल तोड़ दिया। ये क्या बकवास करे जा रही हो? बकवास बातें हम कर रहे, और आप जो ये बकवास हरकतें कर रहे हो उसका क्या? और देखिए हमसे ना झूठ बोलिए ही मत, ये भोले होने का ना सब नाटक कर रहे हैं। वैसे किसे ताड़ रहे थे, वो खुले बाल वाली को, चोटी वाली को, या फिर जो क्लास में सबकी फेवरेट है, आपकी भी फेवरेट है, वो गोल्डन बाल वाली, वो दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? क्या पीला और गोल्डन करे जा रही हो? तुम्हारा दिमाग नीला हो गया? ताड़ क्या, ताड़ते कैसे ये भी नहीं पता है मुझे? अच्छा, अरे इस कॉलेज का ट्रस्टी हूँ, थोड़ी तो मेरी इज्जत का लिहाज किया करो। इज्जत का लिहाज ना शरीफ लोगों का होता है डॉक्टर शिव, लेकिन आप तो अपने ट्रस्टी होने का कितना गलत फायदा उठा रहे, मन मर्जी कर रहे, लड़कियां ताड़ रहे। छी 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 छी, ये देखने से पहले हमारी आंखें क्यों नहीं फूट गई? क्यों डॉक्टर शिव, हमारे समाज का क्या होगा जब हमारे समाज के जो ठेकेदार हैं वही? तुम चुप हो जाओ मदर इंडिया, क्या बोले जा रही हो? देखो मैं हाथ हटा रहा हूं, तुम चिल्लाओगी तो नहीं ना? तो बताइए किसे ताड़ रहे थे? ताड़ नहीं रहा था, तुम्हें देख रहा था। अच्छा, तो मतलब आप किसी और लड़की को नहीं ताड़ रहे थे, आप हमें ताड़ रहे थे। इतना मिस कर रहे थे हमें? मैं ताड़ नहीं रहा था, देख रहा था। और मिले तो देखिए ना, अच्छे से देखिए, पूरी तरह से देखिए, आपका तो फुल राइट है, और वैसे भी हम तो पूरे के पूरे आपके हैं। हम पढ़ रहे थे, आप यहाँ हमें देख रहे थे। हाय, सो रोमांटिक डॉक्टर शिव, आई एम इम्प्रेस्ड। वैसे हमें लगा था कि आपके जो रोमांस का मोटर है ना, ये पूरी तरह से फ्यूज हुआ पड़ा है, लेकिन आप तो काफी तेज निकले। वैसे अब आप देखते ही रहेंगे या फिर कुछ करेंगे भी? अरे डॉक्टर शिव, हमें पता है कि आप यहां हमें क्यों देखने आए थे। यही देखने आए थे ना कि हम पढ़ रहे हैं या नहीं। लेकिन डोंट वरी डॉक्टर शिव, हम अपना सपना कभी नहीं भूलेंगे। Thank you.
सिर्फ मेरी हो सकती, सिर्फ मेरी, और मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता। हे भोलेनाथ, इतनी सारी किताबें आप इतना कैसे पढ़ लेते हो? 10 साल का सिलेबस ये लोग एक साथ कराएंगे क्या? हाँ मासी, क्या बताऊं, बहुत स्ट्रेस है आजकल। बच्चों का ना सिलेबस बच्चों का खेल नहीं है, लिखते लिखते आदत कर जाते हैं। वो तो दिख ही रहा है, फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे को रॉकेट बनाने की पढ़ाई कराई जा रही है यहाँ पे। हाँ, आपकी किताबें देख के ना तो हमें भी हमारी पढ़ाई की टेंशन होने लगी है। अब हम एक काम करेंगे, कॉलेज आने के बाद और खाना बनाने से पहले ना हम भी अपना होमवर्क कर लेंगे। आपका भी होमवर्क होता है? हाँ जी होता है, और आपको पता है इतना होमवर्क होता है ना कि बच्चों का खेल नहीं है, नानी दादी सब याद आ जाते हैं। कार्तिक, क्यों छुपा रहे हो? दिखाइए दिखाइए। ये तो कितनी अच्छी ड्राइंग्स हैं। सच्ची सच्ची मुच्ची, इतने छोटे हैं आप लेकिन इतने टैलेंटेड, हम तो देखते ही फैन हो गए आपके। अगर टीचर ने मुझे डांटा कि मैं ड्राइंग की वजह से टाइम वेस्ट कर रहा हूँ तो? बेटा कोई भी आर्ट टाइम वेस्ट टाइम नहीं होता। हम एक काम करते हैं, कल ना हम आपके लिए ड्राइंग बुक और कलर्स लेकर आएंगे ताकि आप और अच्छे से ड्राइंग्स कर सके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पढ़ाई पे फोकस नहीं करेंगे, पढ़ाई भी आपको अच्छे से करनी होगी। आपको एक सीक्रेट बताएं, जब हम छोटे थे ना, जब हम स्कूल में थे तो हम भी ठीक ठाक ड्राइंग कर लेते थे। तो एक दिन हमारी टीचर ने ना हमारी चाची जी को बुला लिया कंप्लेंट करने, और पता है हमारी चाची जी ने हमें किससे मारा? किससे? चप्पल से। हाँ? लेकिन टीचर कभी भी आपको डांटे तो सबसे पहले आप हमें बताएंगे। तो आप भी चप्पल से मारोगे? बिल्कुल नहीं, आपको ऐसे गले लगाएंगे और उसका सोल्यूशन निकालेंगे। इसलिए मासी और कार्तिक के बीच में नो सीक्रेट्स। डी डी भाभी। हाँ? ये शिव भैया की दवाई का स्टॉक खत्म हो गया था तो हॉस्पिटल से आई है। अच्छे से सील पैक है ना? हाँ आप देख लो, वैसे इसमें जो हरे पत्ते वाली है ना वो सुबह शाम लेने की। सुंदरी दीदी, डॉक्टर शिव कौन सी दवाई कब लेते हैं ना हमें पता है, मैनेज कर लेंगे। थैंक यू। दुनिया गोल है और हर पाप का डबल रोल है। वाह क्या लड़की है वो शक्ति। अरे गोल पे गोल मारी जा रही है, एक ही हफ्ते में आपके सत्ता का तो भट्टा बिठा दिया इस लड़की ने। अब ये दूध जाएगा लेबोरेटरी टेस्टिंग के लिए। आज के बाद अनका एक निवाला क्या, पानी की एक बूंद भी अब डॉक्टर शिव को नहीं दे पाएंगे। एक चैलेंज हम आपको करते हैं कि कार्तिक हॉस्टल कभी नहीं जाएगा। ये कार्तिक की डे स्कॉलर ट्रांसफर एप्लीकेशन है, डॉक्टर शिव की हर चीज पे पहला हमारा अधिकार है, इसलिए डॉक्टर शिव को दवाई देने का आज से उसकी जिम्मेदारी हमारी। क्या महाकाय प्लान बनाया था आपने? हाँ कि शिव की शक्ति से शादी होगी, फिर शादी वाली रात ही उन दोनों के बीच में बवाल होगा। शिव शक्ति की शादी के दिन ही होगी उनके रिश्ते की अंतिम यात्रा, और उसी रात को शक्ति घर छोड़ के चली जाएगी।
पर शक्ति तो कहीं गई नहीं, उल्टा वो मंद बुद्धि रिमझिम आपके गले पड़ गई आपकी बहू बन के। और तो और शक्ति ने शिव का इतना विश्वास जीत लिया कि कार्तिक को घर में रोकने के लिए भी मना लिया, और अब से तो वो दवाई देने की जिम्मेदारी भी अपने हाथ में ले चुकी है। भाभी वो लड़की ना दाव पे दाव जीते जा रही है और आपका जो पकड़ है ढीला होता जा रहा है। पद्मा दीदी, पेड़ों को ऊपर से कितना भी काटो छाटो ना, उनका कुछ नहीं बिगड़ता, पता है क्यों? क्योंकि उनकी जो जड़ें हैं ना वो मिट्टी के अंदर होती है, अंदर, और यही जड़ उनकी ताकत भी होती है और उनकी कमजोरी भी। मैं इस घर की जड़ हूं, जड़। इस घर पे मेरी पकड़ इतनी स्ट्रॉंग है कि शक्ति चाहे ऊपर से जितना भी काट चाट लेना, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती वो। उसे क्या लगता है कि एक डेढ़ चैलेंजेस जीत कर वो जंग जीत गई है? नहीं, जिस दवाइयों को लेकर उसे लग रहा है कि वो जीत गई है ना, वही उसकी हार का कारण भी बनेगी और मेरी जंग जीतने का हथियार भी। मंदिरा आंटी, आजकल हमें कॉलेज में सिखाया जा रहा है, अगर कोई भी दवाई पेशेंट को नुकसान दे ना, तो उसे ऐसे ही फेंक देनी चाहिए। क्या मतलब है तुम्हारा शक्ति? हमारा मतलब ये है मंदिरा आंटी कि आजकल ना जमाना बहुत खराब हो गया है। लोग आजकल अपने ही परिवार वालों को नुकसान पहुंचाने के लिए गलत दवाई दे रहे हैं, जैसे कि आप और आपकी ये दवाई। जितना भरोसा हमें आप पर है ना, उतना ही भरोसा हमें आपकी इस दवाई पर भी है। जीरो। डॉक्टर शिव के लिए जो दवाई आती है उसे फैब्रिकेट करा के उसमें मिलावट करके उसे सील पैक करवा देना आपके लिए कोई बड़ी बात तो नहीं है। इतनी बड़ी फार्मा कंपनी जो चलाती हैं आप, है ना पद्मा बुआ? इसलिए हम सोच रहे थे कि डॉक्टर शिव सालों से ये दवाई ले रहे हैं, उनकी फैमिली की खुद की इतनी बड़ी फार्मा कंपनी है, दुनिया के किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर उनकी तबीयत ठीक क्यों नहीं हो रही? इसलिए मार्केट जाकर हम ही डॉक्टर शिव के लिए दवाइयां लेकर आए। और डॉक्टर से कंसल्ट भी कर लिया, कुछ दवाइयां भी चेंज कर देंगे। अब आप देखना डॉक्टर शिव कितनी जल्दी ठीक होते हैं मंदिरा। आंटी, भोलेनाथ, जो दवाइयां आपकी हथियार हुआ करती थी, ये लड़की तो उसे मिट्टी में मिला गई। झगड़ा वगड़ा तो छोड़िए भाभी, हमको तो लगता है शक्ति जंग जीतेगी।
भाभी, ओ भाभी, हे भोलेनाथ, कहीं शिव को पागल करते करते ये खुद पागल ना हो जाए। फिर तो हमारी हॉस्पिटल में इनके लिए एक परमानेंट रूम बुक करके रखना पड़ेगा। शिव शक्ति, शिव शक्ति। मंदिरा, डॉक्टर शिव, ये जो दवाई है ना, अब आपको हफ्ते में दो बार लेनी है, वेंसडेज को और सैटरडेज को। और ये वाली आपको सिर्फ तब लेनी है जब आपको एंजाइटी हो रही हो या घबराहट। डॉक्टर कपूर ने बोला है कि इससे आपकी एंजाइटी कम होगी। और ये जो बाकी चार है ना, ये लेने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, क्या हुआ, आप हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? शक्ति, डॉक्टर होने के बावजूद मैंने रियलाइज ही नहीं किया कि मैं कब कौन सी मेडिसिन ले रहा हूं। वेरी बैड डॉक्टर शिव, केयरफुल रहना चाहिए, पता नहीं होता कि कौन कब क्या खिला दे। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी। थैंक यू से काम नहीं चलेगा, अब आपको हमारे साथ मिलकर बहुत जरूरी काम करना है। क्या? ये जो कमरा आपने खराब किया ना, जिसका सत्यानाश किया, उसे ठीक करने का टाइम आ गया। ये कब तक हम ऐसे जले भुने कमरे में रहेंगे? देखिए, हम यहाँ ना ऐसे नहीं रह सकते, यहाँ रहते ना तो ऐसा लगता है कि हम तंदूर में। ठीक है, तो तुम इस तंदूर को, इस रूम को, जले भुने रूम को छोड़कर जा सकती हो। थैंक यू। हम किसी भी चीज को ना अधूरा छोड़कर जाने में विश्वास नहीं रखते, उसे सजाने में, उसे संवारने में विश्वास रखते हैं। तो इससे हम दोनों साथ मिलकर अब इस कमरे को ठीक कर ही रहेंगे। No chance. मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। आप फिर से पलटी खा गए, आपने कहा था ना कि हम साथ मिलकर इस कमरे को ठीक करेंगे, तो फिर हम अकेले क्यों करें? लाड साहब, गलती पे गलती करते रहे और उन्हें कोई कुछ ना कहे। डॉक्टर साहब अच्छे से सुन लीजिए, आपके फैलाए रहे थे ना, वो हम नहीं समेटने वाले। ठीक है ठीक है ठीक है मेरी माँ, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, लेकिन एक शर्त है, तुम वो करना बंद कर दो। वो क्या? किस करना बंद कर दो बार बार, तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। दी किस करना, तो हम आपको किसी कीमत पे नहीं छोड़ेंगे। पति को किस करना पत्नी धर्म का पार्ट होता है डॉक्टर शिव। तो ठीक है, पहले रहने दो ये रायता। ओके, तो नाउ वेट एंड वॉच।